टू एग्री सिल्वी आज का हमारा टॉपिक है आंथुरियम ऑलरेडी क्राइसम के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं अगर आपको देखना है पहले उसे देखिए क्योंकि हम क्राइसम के साथ आंथुरियम को कंपेयर करके एक ट्रिक बनाएंगे याद रखने के लिए तो फिर पहले जाइए सर्च कीजिए क्राइसम एग्री सिल्वी पहले उसको देखिए और ये वीडियो डी डी एसओ के लिए स्पेशल है और आई पी एस एफ हो गया जो लोग हार्टिकल्चर स्पेशल रखे आई सी आर और एस आर एफ दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है एंथोरियम इसका साइंटिफिक नेम है एंथोरियम एंड्रेनम एंड इसका फैमिली है एरेकासी एरेकासी पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट्स है और आ, हॉर्प्स भी है सरोप्स स्रौ, स्रौ, भी है ट्री भी है और इसको पैम फैमिली भी, भी बोलते हैं और इसका बहुत सारे वेराइटीज़ है पर जो वेराइटीज को मैंने बोल किया है वो सब एग्जामिनर चॉइस है तो फिर उसी वेराइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना और उसको याद रख लेना जैसे कि रेड वेराइटी में रेड ड्रैगन हो गया रेड फ्लेम हो गया मोरिटिस रेड हो गया और सनसाइन ऑरेंज हो गया व्हाइट में एक्रोपोलिस हो गया मोरिटिस व्हाइट हो गया पिंक में पैसोन हो गया ग्रीन में हो गया, और बहुत सारे ऐसे है, जो कि एक कलर नहीं दो कलर का मिक्स है और अदर कुछ वेराइटी चॉकलेट ब्राउन रेड कलर दोराइटीज ऑफ वी सॉ इन द द पिक्चर्स ऑफ दराइटीज यू कैन को रिलेट विथ पिक्चर्स

और टेम्परेचर 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस ये इंडियन कंडीशन है आज लाइक क्राइस एंड एम एंड लाइट इंटेंसिटी इसका याद रखो यहाँ पर 1500 से 2000 फुट कैंडल्स चाहिए प्रोपेगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन डीडीए डी इट इज क्लियरली मेंशन दैट प्रोपेगेशन ऑफ एंथुरियम सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन इन केस ऑफ एंथुरियम फर्स्ट वी कैन प्रोवाइगेट थ्रू टिश्यूकलर जो कि बहुत ही वाइल्ड स्केल में होता है इफ यू वॉन्ट टू डू कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ आंथुरी बिकॉज इन टिश्यू कल्चर इन लेस नंबर ऑफ टाइम वी कैन गेट मोर नंबर ऑफ प्लांट्स एंड सीड सीड जर्मिनेट्स विद इन टेन डेज एंड दे ट्रांसप्लांटेशन देन ब्लूम आफ्टर टू टू थ्री इयर द फ्लावर कम्स And suckers suckers are uh, lateral shoots which are uh, coming from base region or from rhizomes okay uh, and uh, um, uh, you can notice that uh, it is uh, written as BAP hormone in case of seed and sucker in case of seed and sucker BAP hormone is essential it is BAP BAP is 6-benzyl-aminopurine purine. It is a synthetic cytokinin which is helpful for germination ियम थ्रू स्टेम कटिंग ऑल्सो इनकेसम कटिंग फर्स्टन टॉप ऑफ दी एंड्रेड पीपीएम सो दुड रूट प्रोड्यूस देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ रूट गो फोर प्लांटिंग एंड यू शुड रिमेंबर दैट इच कटिंग शुड हेव सिंगल आई और बर्ड सो दट आवर प्लांटिंग एक्सप्लांट टेक एंड द्लानी सेगमेंट मे बी ए रूट सेगमेंट और ए स्टेम सेक्शन मतलब हम किसी भी पार्ट से टिश्यू ले सकते हैं टिश्यू कल्चर कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर कौन सा मीडियम में होता है एम एस मीडियम में मूरा एंड सिंग मीडियम मूरा सिंग मीडियम एंड प्लांटिंग टिश्यू कल्चर एक इनबिट्रो प्रोवाइेशन है ना फिर उसको स्पेशल केयर चाहिए टिश्यू कल्चर के लिए स्पेशल केयर चाहिए प्लांटिंग के लिए सो so, जब टिश्यू कल्चर प्लांट्स 15 सेंटीमीटर का हाइट और 4 टू 6 लीव्स हो जाएगा उसे हम पॉली में ट्रांसफर करेंगे उसके बाद हम मेन फील्ड में प्लांटिंग करेंगे मैंने जो प्रोसीजर बताया आपको उसी तरह ये पिक्चर शो कर रहा है जैसे कि स्टेम कटिंग हो गया सकर हो गया कल्चर प्लांट्स हो गया और आफ्टर टिश्यू कल्चर दैट प्लांट्स इज प्लांटेड इन पॉट कल्चर वेन इट वेन इट इज गेट रेडी देन इट विल ट्रांसपोर्ट टू मेन फील्ड स्पाइक रेडी फॉर हार्वेस्ट एंड दिस वन इज रेडी फॉर हार्वेस्ट प्लांट प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है देर आर मेनी पेस्ट विच अफेक्ट एंथुरी उसमें से अफिड्स आफिड्स हेमिप्टेरा ऑर्डर का है और ये एक सैपिंग पेस्ट है ये स्केल इंसेक्ट हेमिप्टेरा ऑर्डर के है और यह भी बहुत ही डैमेज करता है इस प्लांट को और uh, हो गया एक और हो गया स्पाइडर माइट स्पाइडर माइट का है और ये भी आ, कुछ हद तक इस प्लांट को डैमेज करता है आ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट कैंकर है एंड uh, एक स्मॉल एरिया में ग्रो करता है और धीरे धीरे ये उसका काया विस्तार करता है और पूरे लीव को काबू कर लेता है सोज लीव स्पॉट रूट रॉड बैक्टेरिया विल्ड

And, uh, एक फ्लावर को ट्वेंटी फाइव रुपीज में इंडिया में बेचा जाता है सो so, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसे एक पर्सन इनकम कर सकता है और लीफ लीफ विल गिव आउट वन वन फ्लावर, में एक फ्लावर मिलेगा और हार्वेस्ट कमेंस, मतलब आप तीन से छह मंथ के बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं सोयर देर आर सम क्वेश्चन देश टाइम फॉर टेकिंग टर्मिनल कटिंग इन क्राइस एंथेम पिछले वाले वीडियो में हमने क्राइस एंथेम का क्वेश्चन नहीं किया था सो so, इस वाले वीडियो में हम uh, दो क्वेश्चन लेके आए हैं क्राइस एंथेम uh, के बारे में ये दोनों आप सॉल्व uh, कर लीजिए बट बिफोर दैट यू शुड रिवाइज दैट क्राइस एंथेम ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है और रिडी uh, एसओ में स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन भी आता है उसके बाद uh, आंथुरियम uh, आंथोरियम का दो क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो फिर यू कैन आंसर दिस टू क्वेश्चन एंड द आंसर्स आर गिवेन बिलो फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू सी द आंसर्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर यू एंड इसी तरह हम पूरे डी डी एस ओ का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे थैंक यू